बहराइच में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान का आगमन हुआ। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय बहराइच पर पहुंचकर शिक्षक सभा के नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई शिक्षक शामिल थे। उनके द्वारा 31 नवनियुक्त शिक्षक सभा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी में नियुक्ति पत्र बांटा गया। उन्होंने कहा कि हम शिक्षक देश की दशा और दिशा बदलने का कार्य करते हैं। आज शिक्षक बेहद परेशान हैं। शाह आलम खान राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी शिक्षक सभा, लखनऊ मंडल प्रभारी। देखिए, पूरे प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की शिक्षक सभा का गठन हुआ है और 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशन पर, पूरे प्रदेश के जनपदों में जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको मनोनयन पत्र वितरित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी श्रृंखला में आज मुझे बतौर मुख्यतिथि यहाँ बहराइच जनपद में आने का अवसर मिला और समाजवादी शिक्षक सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित करने का अवसर मिला। कितने पत्र वितरित किए? 31 लोगों की हमारी जिलाध्यक्ष को मिलाकर के 32 लोग होते हैं सर, क्योंकि जिलाध्यक्ष का मनोनयन पत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रदेश की बैठक में दिया जा चुका है। आज 31 जिला के पदाधिकारी, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन 31 सम्मानित शिक्षक साथियों को यहाँ पर मनोनयन पत्र वितरित करने का कार्य आज संपन्न हुआ है। देखिए, 2024 लोकसभा के चुनाव ये 2027 के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया। शिक्षक चाहे एडेड विद्यालय का हो या वित्तहीन शिक्षक साथी हो, चाहे तदर्थ शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे प्रेरक हो, सारे शिक्षकों के पदों को समाप्त किया गया है या उनके अधिकारों को सीमित किया गया है या उनकी सेवाओं को छीनने का काम किया गया। धारा 12, 18, 21 को समाप्त करने का कार्य सदन में इन लोगों ने किया है, जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा है, उनकी पदोन्नत है, इन सब चीजों को समाप्त किया गया है। 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र में, 2004 से और प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके शिक्षक और कर्मचारियों के ऊपर अनावश्यक रूप से अनिच्छापूर्वक नई पेंशन योजना को लागू किया। तो सारा शिक्षक और कर्मचारी, अभी आपने देखा कि प्राइवेट सोर्सेस से लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं और उनके वेतन का भुगतान एनजीओ के माध्यम से होगा। एनजीओ किनका है? एनजीओ पूंजीपतियों का है, वो कार्य करेंगे, उन्हें 11,000 रुपये पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और पद विज्ञापित होते और इस पद नियुक्त होती तो ऐसे हमारे कर्मचारियों से शिक्षक साथियों का 40 से लेकर के 70,000 रुपये के वेतन पर, और वो भी वेतन हमारे राजकीय कोष के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो शिक्षक और कर्मचारी के साथ साथ हमारा अगला पिछड़ा समाज, मजदूर, किसान, सभी बहुत परेशान हैं। विशेष रूप से विद्यार्थी और नौजवान एक लंबी मेहनत करके और उनके अभिभावक एक लंबा पैसा खर्च करके उनको इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए प्रशिक्षित करते हैं कि इन्हें आने वाले समय में कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा, ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है। 69,000 का घोटाला आपने सुन ही लिया है। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं, परीक्षा कराते हैं, तो उसके बाद परीक्षा पूरी भी नहीं हो पाती। पहली पीरियड की परीक्षा होती है और दूसरी पाली की परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई। निराश हताश लोग पता नहीं कैसे किराए भाड़े का इंतजाम करके वो उस परीक्षा को देने गए। अब बहराइच का हमारा नौजवान सीतापुर में परीक्षा देने जाता है। अरे, बहराइच का नौजवान बहराइच के अंदर आप जो परीक्षा केंद्र बनाए वहां पर होना चाहिए, ना कि देवरिया जाना चाहिए, और वो भी वो परीक्षा निरस्त। और अगर परीक्षा नहीं निरस्त कर पाए तो फिर क्या होता कि अपने लोगों से कोर्ट में एक रिट दायर करवा देते हैं, परिणाम प्रभावित करवा देते हैं और नियुक्तियों पर
स्थगन लगवा देते हैं। तो 2024 का जो चुनाव है वो शिक्षक और कर्मचारियों के मान सम्मान का चुनाव है, उनके अधिकार का चुनाव है। सदन में बैठ करके ये जो धारा परिवर्तित कर रहे हैं, संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए 2024 मजबूती से चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी और दिल्ली की सरकार को हटाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल हो और जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, उनको वेतन कोषागार से मिले और जो विद्यार्थी हैं उनको फिर एक बार उच्च शिक्षा में जाने के पहले लैपटॉप दिया जाए। बच्चियां जो हैं गांव से शहर में आके पढ़ें उन्हें साइकिल वितरित की जाए। विद्यालय जो वित्तहीन हैं उनको वित्त पोषित श्रेणी में शामिल किया जाए और वहां पर पढ़ाने वाले जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हें पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया जाए और उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। ये तभी संभव होगा जब प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। आप विश्वास करें, बेचैनी से ये जनता 2024 के चुनाव की प्रतीक्षा में है और केंद्र की सरकार बदलेगी उसके बाद प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, हम सबका ऐसा विश्वास है। इसी के लिए समाजवादी शिक्षक सभा ने छोटे छोटे चौपाल लगा करके अभी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य था, शिक्षकों ने बूथों पर जा करके जो नाम छूटे थे उन नामों को जुड़वाने का काम किया है, जो नाम अशुद्ध थे उन्हें शुद्ध करने का कार्य किया है, जो नाम गलत तरीके से चढ़े थे उन्हें हटवाने का भी कार्य किया है। तो समाजवादी पार्टी आने वाले समय में लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि केंद्र की कोई भी सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की उसमें महती भूमिका होगी।